नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 फरवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल पटना ने पुलिस फायरमैन के कुल मिलाकर 2380 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं और आवश्यक शारीरिक मानक का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 25 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पटना में जल्द ही बनेगा एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। बिहार अपने नाम एक और कीर्तिमान जल्द ही स्थापित करने वाला है। इस बाबत राजधानी पटना में जल्द ही एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण करवाया जाएगा, जिसको लेकर कुल मिलाकर 397 करोड़ रुपए के खर्च आने की संभावना जताई गई है। खबरों की माने तो इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग पटना के प्रेम रंगशाला के पास करवाना है। इसके बन जाने से यहां साइंस के छात्रों को शोध और प्रयोग की सुविधा मिलने वाली है। इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग गर्दनीबाग में 7 एकड़ जमीन पर बापू टावर का निर्माण भी करवाने वाला है। बिहार में 2 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में मौसम आने वाले 2 दिनों में शुष्क बना रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और रात के वक्त तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वैज्ञानिकों ने बीते 24 घंटे में भी मौसम के शुष्क ही बने रहने की बात कही है। मौसम विभाग के न्यूमेरिकल मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में आने वाले अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की स्थिति इसी प्रकार बरकरार रहेगी। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और रात के तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। वैशाली के कुटागार शाला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुटागार शाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। उत्खनन ने इसके निर्माण के 3 चरण को उजागर किया है। मूल रूप से यह एक छोटी सी चिता थी जो सुंगा कुंश काल के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान 2 चरण में एक ऊंचा मंदिर में इसे विस्तार किया गया था और अंत में गुप्ता अवधि के बाद 3 चरण में कई विभाजन दीवारें प्रदान कर मंदिर को मठ में परिवर्तित किया गया था। पटना के 26 थानाध्यक्षों का हुआ तबादला। राजधानी पटना में बीते दिन क्राइम कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बड़े पैमाने पर थाना प्रभारी के तबादले की जानकारी दी है। पटना एसएसपी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 26 थानाध्यक्षों का तबादला बीते दिन कर दिया गया है। इस बाबत एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर थानों का पदभार ग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राजधानी में इन दिनों लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि होली के मद्देनजर राजधानी पटना समेत अन्य जिले में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके मद्देनजर इस तरह का निर्णय लिया गया है। बिहार के दरभंगा से बड़े महानगरों के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। दरभंगा वासियों के लिए अहम सूचना। जल्द ही दरभंगा वासियों को पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर विमान सेवा 7 मार्च से शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार स्पाइसजेट एयरलाइंस मार्च से दरभंगा से अपनी विमान सेवा का विस्तार करेगी। कंपनी की तरफ से 7 मार्च से पुणे और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बुकिंग शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी को एप्रन बन जाने के बाद हवाई अड्डा पर एक साथ 3 विमानों के ठहराव की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही पटना से सूरत के बीच भी विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। टीम इंडिया में चयन को लेकर ईशान किशन के नवादा जिले में दिखा जश्न का माहौल। बिहार से निकले खिलाड़ी ईशान किशन आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016, फिर आईपीएल और अब घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अब अपना खेल भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके तहत झारखंड से रणजी खेलने वाले ईशान का चयन इंडियन बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए कर लिया गया है, जिसके बाद ईशान किशन के घर नवादा में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। छठ के दौरान ही ईशान किशन की दादी ने उनके भारतीय टीम में शामिल होने के लिए मन्नत मांगी थी, जिसके बाद उनकी दादी भी काफी खुश और भावुक नजर आई। हालांकि अब बिहार के ईशान किशन का जलवा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 मैच में देखने को मिलने वाला है। धान खरीद की अवधि को बढ़ाने से सरकार ने किया इनकार। बिहार में धान खरीद की अवधि को बढ़ाने के लिए विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रही थी। हालांकि इसको लेकर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में धान खरीद की अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए साफ किया है कि धान खरीद में पिछले कई सालों से सबसे अधिक धान की खरीदारी कर ली गई है। बिहार में अब धान खरीदी नहीं की जाएगी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नाराज दिखे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि जब राज्य में किसानों के पास धान बचा है तो उसे क्यों नहीं खरीदा जा सकता है, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट करते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी की।
गलत प्रमाण पत्र वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा बहाल से सरकार ने किया साफ इनकार। शिक्षकों के नियोजन को लेकर चौतरफा घिरी बिहार सरकार ने अब एक और ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार ऐसे शिक्षकों के नियोजन के बिल्कुल खिलाफ है जिनके प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं और जिनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है, उन्हें किसी भी कीमत पर अब बहाल नहीं किया जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा में बीते दिन इससे जुड़ा एक सवाल प्रश्नोत्तर काल में उठाया गया था, जिसके जवाब में ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र की जांच को लेकर विभाग लगातार काम कर रहा है और इसके लिए अब नियोजित शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की बात कही गई है। बांका जिले के किसान अब पूरे राज्य में समझाएंगे जल जीवन हरियाली का महत्व। बांका जिले के किसान अब पूरे राज्य स्तर पर जल जीवन हरियाली मिशन की महत्ता से किसानों को अवगत करवाने वाले हैं। इसको लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने रजौन प्रखंड के उपरामा गांव के रहने वाले किसान रुपेश चौधरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है, जिसके बाद अब राज्य के किसानों को वो समझाएंगे कि जल जीवन हरियाली का महत्व क्या है। बिहार में होगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल। बिहार में अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत बिहार में हड्डी के मरीजों को बेहतर और बड़े इलाज के लिए अब दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। इसको लेकर नीतीश सरकार राज्य हड्डी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की बात कह चुके हैं, जिसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल अब आसपास के राज्यों का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होने वाला है। सरकार ने बजट में इसकी राशि को मंजूरी दे दी है। जानकारों की माने तो बिहार में हड्डी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को बनाने की तैयारी हो रही है, वो बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होने वाला है। इसको लेकर 215 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। नीतीश सरकार ने शिक्षा मानकों में बिहार के पिछड़ने की बात मानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के पिछड़ने की बात को मान लिया है, जिसके तहत बिहार विधानसभा के चल रहे बजट सेशन में एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश सरकार ने मान लिया है कि नीति आयोग के मुताबिक बिहार शिक्षा के मानकों पर पिछड़े 5 राज्यों में शुमार है। विधायक समीर महासेठ के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में यह बयान दिया है। हालांकि उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात भी कही है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि 8385 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है, वहीं शिक्षकों के लिए भी परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने बताया है कि जो बहाली प्रक्रिया रोकी गई है उसके लिए परमिशन भी ली जा रही है। पटना की रितु ने अमेरिका में बिहार का नाम किया रोशन। पटना की रितु कुमार आज पटना के साथ साथ पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। शादी के बाद रितु अपने पति नीरज कुमार के साथ अमेरिका आई और एक बार फिर से पेंटिंग शुरू की। शुरुआत में अधिकांश पेंटिंग उन्होंने खुद और करीबी दोस्तों के लिए की। उनकी कलात्मक और गुणवत्ता देखकर उनके कुछ मित्रों ने भी खुद का स्टूडियो बनाने और व्यावसायिक होने का सुझाव दिया था, जिसके बाद ही स्टूडियो रितु हैंडमेड आर्ट्स का जन्म हुआ। अमेरिका के डल्लास में रह रही बिहार की रितु कुमार बताती है कि मैं एक स्व प्रशिक्षित कलाकार हूं, जिसका जन्म और पालन पोषण पटना में हुआ। उन्होंने कहा है कि मैंने बचपन से पेंटिंग शुरू की, रंग पेंसिल और पानी के रंगों के साथ शुरू हुई कला यात्रा अब एक पहचान बन चुकी है। कोरोना के माहौल में होली में घर आने वालों को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग हुआ सख्त। कोरोना को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड में काम कर रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण में अचानक से वृद्धि को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए टेस्टिंग और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही होली में घर आने वालों को लेकर भी जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत होली को लेकर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टरों की सूची तैयार की जा रही है और उन्हें स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा, जहां आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। पश्चिम चंपारण से 4 महीने प्रवास के बाद लौटने लगे हैं प्रवासी पक्षी। गंडक बराज के जलाशय में हजारों किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर आए प्रवासी पक्षी यहां 4 महीने के प्रवास के बाद अब अपने वतन की तरफ लौटने लगे हैं। इन प्रवासी पक्षियों के कई झुंड उड़ान भर चुके हैं, जिसके बाद अब जो बच गए हैं वो भी अपने वतन वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एशिया और यूरोप के ठंडे देशों से विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर गंडक बराज के जलाशय में आते हैं। यह पक्षी नवंबर महीने से आना शुरू करते हैं। लगभग 4 महीने तक यहां प्रवास करने के बाद प्रवासी पक्षी अपने वतन लौट जाते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दुनिया के पहले स्वामीनारायण मंदिर का 1822 में अहमदाबाद में आज ही के दिन उद्घाटन हुआ था। 1483 में मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1939 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक जॉय मुखर्जी का जन्म हुआ था। 2018 में बॉलीवुड की महान अभिनेत्री श्रीदेवी ने आखिरी सांस ली थी। 1998 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार ने भी आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी।
विधानसभा में श्रेयसी सिंह ने तेजस्वी की कराई बोलती बंद। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए खूब हंगामा बीते दिन देखने को मिला, जिसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश में खेलकूद की बुरी स्थिति का जिक्र किया। इसको लेकर ही जमुई विधायक और शूटर श्रेयसी सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, वो बताया कि बिहार में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज है जहां बिहार की प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिल सके, जिसके जवाब में श्रेयसी सिंह ने कहा कि कल ही बजट में इस बात की घोषणा की गई कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में खेल के स्तर को सुधारने के लिए भी सरकार से जल्द बात करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों को दी छूट। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने सभी विधायकों की समस्याएं सुनी और उन्हें कई सारी नसीहत देने का काम भी किया। इतना ही नहीं, इस बैठक के दौरान उन्होंने यह भी साफ किया है कि बजट सत्र के बाद वो खुद प्रमंडल स्तर पर जाकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जहां वो क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और समस्याओं का जायजा लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने विधायकों को छूट दी है कि अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी कर रहा है तो उसके बारे में जरूर बताएं, गड़बड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लोजपा संगठन में हुआ बड़ा फेरबदल। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, जिसके तहत बिहार में नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही प्रधान महासचिव को भी बदल दिया गया है। जानकारों की माने तो चिराग इस बदलाव के साथ दलित स्वर्ण गठजोड़ बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके तहत चिराग पासवान ने पूर्व विधायक राजू तिवारी को बिहार में पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। वहीं उनके चचेरे भाई प्रिंस राज प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे हैं। हालांकि प्रिंस राज अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, मगर संगठन का सारा दारोमदार राजू तिवारी के ऊपर डाल दिया गया है। आपको बता दें, राजू चिराग पासवान के काफी करीबी माने जाते हैं। वो अलग बात है कि वो साल 2020 का चुनाव हार गए थे। ओपन स्टेट चैंपियनशिप का जल्द ही होगा आयोजन। इस साल गेम एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बैनर तले ओपन स्टेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कैमूर जिले के कुद्रा प्रखंड मुख्यालय स्थित निशान सिंह स्टेडियम में किया जाना है, जिसमें बिहार राज्य के सभी जिले के प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं। आयोजन के दौरान कबड्डी, एथलेटिक, वॉलीबॉल, फुटबॉल और कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वैसे इस एसोसिएशन के द्वारा पटना, गया, औरंगाबाद सहित कई अन्य जिलों में आयोजन कराकर सफल प्रतिभागियों को देश के लिए खेलने को भेजा जाएगा। तेजस्वी के आरोपों को विधानसभा में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया जवाब। बीते दिन बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की जानकारी दी। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश ने कहा है कि देश की तुलना में बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना की जांच हुई है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान कोरोना से बेहतर तरीके से निपटा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में हर क्षेत्र में विकास होने की बात कही है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में बिहार में सफल टीकाकरण की बात कही है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी उत्पादकता के बढ़ने की बात कही है। केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत दस्तकारों का होगा उत्थान। स्फूर्ति योजना के तहत परंपरागत उद्योगों और दस्तकारों का उत्थान होने वाला है। इसको लेकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्फूर्ति योजना के तहत मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाकर और लाल फीताशाही को समाप्त कर दस्तकारों के लिए 5,000 संकुल शुरू किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने परंपरागत उद्योगों के विकास और दस्तकारों की सहायता के मकसद से स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज योजना की शुरुआत की है। कृणाल पांड्या के शतक पर हार्दिक पांड्या ने दिया मैसेज। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तो भारतीय टीम में शानदार खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, मगर उनके भाई कृणाल पांड्या अभी भी इस उपलब्धि से दूर दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों कृणाल पांड्या के बल्ले से निकल रहे रन की चर्चा खूब हो रही है। इसी क्रम में कृणाल ने सोमवार को विजय हजारी ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ 97 गेंदों में 20 चौके और एक छक्के की मदद से जोरदार शतक जड़ते हुए 127 रनों की बेहतरीन पारी खेले। यही नहीं, उन्होंने बाद में गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 45 रन देकर एक विकेट लिया, जिस पर हार्दिक पांड्या ने भी अपना रिएक्शन दिया है, जिसके तहत उन्होंने उनकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अब डैड तुम्हारे साथ है, कृणाल लव यू ब्रो। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,950 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,950 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.21 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 85.19 रुपए प्रति लीटर था।
आरआरआर में गाना गाने वाली हैं आलिया। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इस साल कई फिल्मों को लेकर चर्चा में है। जल्द ही वो बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजमौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर में नजर आने वाली है। इसी बीच खबर है कि आलिया इस फिल्म में दो गानों में अपनी आवाज देने वाली है। इन दोनों गानों की शूटिंग के लिए आलिया एकदम तैयार है। इन दोनों गानों की शूटिंग हैदराबाद में की जाएगी। इस गाने में आलिया का लुक एकदम चेंज नजर आएगा, जिसका इंतजार उनके फैंस भी काफी लंबे समय से करते नजर आ रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ऋषि कुमार, मानवी कुमारी, जानवी कुमारी, ममता कुमारी, गायत्री कुमारी, मनीष कुमार, दीपक श्रीवास्तव, मृत्युंजय कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, शशि भूषण, राजन चौधरी, असलम राज, गणेश कुमार, विकी कुमार, आलोक कुमार, रोहित कुमार, पिंकी कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टी20 में बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन के चयन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।